कुछ सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी के द्वारा केस करवाने शुरू किए हैं, तब से अक्सर हम आप लोगों के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है, कि ईडी का प्रयोग राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बात मानते हो, उनको समझ में आता हो कि ये राजनीतिक साजिश है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि इन पर आरोप लगे हैं इसलिए ये बहाने बना रहे हैं, लेकिन आज आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने देश के सामने ये प्रमाण रख दिया है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का एक साधन है। ईडी ने दो बुजुर्ग किसानों पर, जिनकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं, जिनका नाम है कन्हैयन जो 72 साल के हैं और कृष्णन जो 66 साल के हैं, जिनके बैंक में कुल मिलाकर 450 रुपए हैं, उन पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस फाइल किया। ईडी ने इन दो गरीब किसानों को समन भेजा और समन में क्या लिखा था, क्या अपराध किया था इन्होंने? समन में लिखा था कि आपका एक 2017 का केस है जिसके लिए हम आपको समन कर रहे हैं, और वो केस था कि इन्होंने अपने खेत के आसपास बिजली की तार लगाई और उस बिजली की तार की वजह से दो भैंसों की मौत हो गई। इस कारण से इन दो किसानों को ईडी ने समन किया है। आज ये औकात रह गई है केंद्र सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इनको समन करने का, इन पर केस करने का असली कारण क्या है? असली कारण ईडी के केस का पूरे देश भर में सिर्फ एक है। अगर भारतीय जनता पार्टी की आपसे दुश्मनी है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की आपसे दुश्मनी है, तो आप पर ईडी का केस किया जाएगा। इन दो गरीब किसानों की अपने एक इलाके की भारतीय जनता पार्टी के नेता जी गुणशेखर से कई सालों से झगड़ा चल रहा था। इन्होंने जब उस नेता पर केस किया, जी गुणशेखर जेल गया और उसका बदला लेने के लिए इन 450 रुपए की मात्र संपत्ति रखने वाले किसानों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी ने केस कर दिया और उनको तमिलनाडु से दिल्ली समन कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ईडी आज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ईडी आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है जिसे वो किसी पर भी इस्तेमाल कर सकती है। और ये भी साफ है कि ईडी का प्रयोग हो रहा है अपने दुश्मनों को हमला करने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए। अगर कोई विपक्ष का नेता ईडी का केस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो फिर ईडी कहती है कि जी हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, हमें तो केस बंद करना पड़ रहा है, हमारी तो फाइल खो गई इसलिए हमें केस विड्रॉ करना पड़ रहा है। ये पूरे देश ने देखा कि छगन भुजबल, जिन पर महाराष्ट्र सदन स्कैम में 870 करोड़ के घोटाले का आरोप था, जिन पर ईडी का केस चल रहा था, जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, अगली ही कोर्ट की हियरिंग में ईडी ने मुंबई हाई कोर्ट के सामने कहा कि जी हमारी तो केस की फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद करना चाह रहे हैं। तो ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है,
भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करेगा उस पर ईडी में केस होगा, उस पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस होगा।